में वेद प्रकाश नगर निगम आयुक्त ने मर्यादाओं की सारी सीमाओं को तोड़ा। मकान किसी और के नाम का और किसी और के नाम पर नोटिस जारी कर मकान तोड़ने निकले। किसके आदेशों पर होती है गरीब लोगों के आशियाने पर कार्यवाही? क्या नगर निगम को जबलपुर में और भी अतिक्रमण नजर नहीं आते? क्या यह उनकी रिश्तेदारी निभाते हैं? वही एक मामला नगर निगम द्वारा आकाश बिहार में मकान मालकिन लक्ष्मी देवी नायक के नाम नोटिस न जारी करते हुए उसके पति के नाम नोटिस दिया गया, जिससे बाद मकान तोड़ने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा रही है, जिसका मकान मालकिन और स्थानीय जनों ने नगर निगम की इस कार्यवाही का विरोध किया। मकान मालकिन लक्ष्मी देवी नायक ने बताया कि विगत दिनों उसने आकाश बिहार महाराजा अग्रसेन वार्ड एक प्लाट खरीदा था, जिसके जमीन के कागज भी लक्ष्मी देवी नायक के पास नाम पर हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा आज के मालिक लक्ष्मी देवी नायक को बिना नोटिस दिए उसके पति के नाम पर नोटिस दिया और मकान तोड़ दिया गया, जिसका क्षेत्रीय स्थानीयजनों ने विरोध करते हुए यह कहा कि यह कार्यवाही गलत है और नगर निगम को पर्याप्त समय देना चाहिए। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि इनके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके कारण यह अवैध निर्माण माना जा रहा है, जिसको तोड़ने की कार्यवाही के निर्देश मिले हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ यह बताना चाहेंगे कि पीड़ित मालिक द्वारा बताया गया कि इसका सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ये मलखान के नाम का नोटिस देता है और मलखान से ही सारे दस्तावेज उपस्थित करवाने के लिए बोलता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ये जमीन का एग्रीमेंट लक्ष्मी नायक के नाम के है और लक्ष्मी नायक को इन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाया है, ना कोई नोटिस दिया हुआ है। वो एक महिला है, उसके सर छुपाने की जगह नहीं है, बिगर सुनवाई के अवसर दिए हुए उसको जो है ये घर तोड़ने आ गए हैं नगर निगम वाले। और आज आपने इसका क्या न्यायालय में प्रकरण, ये इनका प्रकरण लक्ष्मी नायक का और जिससे इनका विवाद चल रहा है उनके बीच में इन्होंने जो है प्रकरण दायर कर रखा है सिविल सूट, उसमें यथा माननीय न्यायालय ने यथास्थिति दी हुई है। यथास्थिति बताने का नगर निगम को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम लगातार ये कह रही है कि वो हमें पार्टी नहीं बनाए हैं, लेकिन उस पर यथास्थिति है। तो कायदे आप जो लक्ष्मी कुशवाहा की बता रहे हैं उनको कोई नोटिस नहीं दिया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना तो इनके स्वास्थ्य से भी एक एग्रीमेंट है। हाँ। एग्रीमेंट के पास इनको अनुमति है कि ये वो जो घर बना ले जिससे इन्होंने घर क्रय किया है उससे अनुमति थी कि आप घर बना ले, रजिस्ट्री हो जाएगी। इसी चीज़ का जो है वाद जो है सिविल न्यायालय में लंबित है। बगैर जो है लक्ष्मी नायक को जो है नोटिस दिए हुए ये तोड़ा जा रहा है, नगर निगम की मैं समझता हूँ घोर लापरवाही वाला काम है और इसमें जो है सब इन्वॉल्व हैं। कानून से आपको क्या न्यायालय से इसका स्टे भी मिला था? स्टे मिला है, लक्ष्मी नायक को जो पक्षकार बनाया गया है जिससे विवाद है उसके भी रमेश चौरसिया के बीच में जो है स्टे है। यह माननीय न्यायालय ने यथास्थिति जो है दे रखी है कि इस पर जो है हस्तक्षेप नहीं करना है। जो निगम का कहना है, निगम के अधिकारियों का, कि आपको पर्याप्त समय ये दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आपने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मेरा ये कहना है नगर निगम से कि लक्ष्मी नायक को इन्होंने कब एक भी नोटिस दिया? अगर वो नोटिस दिया हुआ है तो नोटिस ला के दिखा दें। नगर निगम के अधिकारी कमिश्नर से लेकर जितने भवन अधिकारी हैं जो हैं माननीय जो हैं चौधरी जी हैं वेद प्रकाश जी, वो जो है एक भी नोटिस लक्ष्मी नायक को ना दिखा दें कि लक्ष्मी नायक को नोटिस हमने इस दिन तामील कराया। आप जो है किसी गलत आदमी को नोटिस दे रहे हो उसके बाद घर किसी और का तोड़ रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि घोर लापरवाही नगर निगम कर रही है और इसका हर्जाना जो है अगर हम जो है इसके लिए वाद भी लगाएंगे हर्जाना वसूलने के लिए नगर निगम के खिलाफ। आप अपना नाम बता दें। जी, एडवोकेट मोहम्मद फिरोज अंसारी। कोर्ट नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? वैसे लिख के देते आप, इस नाम से है, इस नाम से। हमारे पास तो जो निर्माण करता जो शिकायत आती है उसी आधार पर देते। आपको जानकारी नहीं थी क्या? ये पहले जानकारी होनी चाहिए था ना, जैसे आप बता रहे कि यहाँ जैसे पता चला वो महिला बताई कि हम लोगों को कि हमारा एग्रीमेंट है और हमारा ये था नोटिस नगर निगम को उस महिला के नाम से करना था ना। जब हम नोटिस लेके आ रहे हैं जो उनके आदमी रिसीव कर रहे हैं उनको बतानी चाहिए ना। सही नोटिस दिया गया है, नोटिस सही है, कहीं गलत नहीं। मकान किसके नाम पर है? माला जो आपके माया भाई नहीं, लक्ष्मी नायक। लक्ष्मी नायक। और आपने नोटिस किसके नाम पर दिया? मलखान, मलखान नाम। उन्हीं के नाम से है ना। कहीं ना कहीं नगर निगम की इसमें गलती, कोई गलती नहीं। अवैध निर्माण है, हमें तोड़ने के लिए अधिकार होता है। अवैध निर्माण सैंक्शन है, नक्शा दिखा दीजिए आप लाकर उनसे, हम मान लेंगे उसके लिए चले जाएंगे। जैसा नगर निगम कह रहे हैं कि आपने कई बार नोटिस दिया, बट नोटिस आपने जो मेन व्यक्ति है जो महिला है उसके नाम पर नहीं दिया आपने। नहीं, वो उनका आरोप हो सकता है, ये सही व्यक्ति के नाम से दिया गया है। और ये अंतिम नोटिस आप देख सकते हैं 307-3,
है ना, ये तारीख भी बता दे रहा हूँ, 5/11/2020 को नाम दिया जा चुका है, या पढ़ सकते हैं ना, नाम बताइए, है ना, ठीक है, और इन्हीं के नाम से है, और इसमें इसमें ये तो मलखान इस, हाँ उन्हीं के नाम से है, और उसमें सुनिएगा, उसमें जो है 24 घंटे का समय भी दिया जाता है कि अपने से हटाएं, अन्यथा जो है निगम उसमें सक्षम तरीके से उसमें जो है कार्रवाई करेगा, ये बताया जा चुका है इनको सारा कुछ, है ना, और उसी आधार पे ये कार्रवाई की जा रही है और ये सही कार्रवाई है। हम ये पूछना चाह रहे थे बस, वो भी नोटिस है जिसके नाम पे मकान है, नहीं 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 सही कार्रवाई है, सही कार्रवाई हो रही है, नोटिस भी सही है। क्या आनंद न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।